गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। ॐ मंडे प्रेयर। गुरु और माता पिता हैं हमारे भाग्य विधाता। माता पिता ने जन्म है दिया, प्यार से पालन पोषण किया, रक्षा की शिक्षा दी, सम्मान और प्यार का नाता। गुरु और माता पिता है हमारे भाग्य विधाता। उनके हित की करे कामना, रखे कृतज्ञता की भावना, यश के हैं शिल्पकार, हमारे जीवन का आधार। सम्मान और प्यार का नाता, गुरु और माता पिता है हमारे भाग्य विधाता। गुड मॉर्निंग संजीवनियंस, सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है आपका दिन शुभ है। आज है मोटिवेशनल मंडे, अर्थात सांस्कृतिक प्रेरणादायक सोमवार। इसलिए मैं आपको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता सुनाऊंगी। आज इस संकट की घड़ी में यह कविता हमें प्रेरणा देगी। कविता का शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ, सुस्मत हर्षित कैसा श्रम श्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो आज इस संकट की घड़ी में भी हम चलते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। आज के नए शब्द, पहला शब्द है पर्याप्त अर्थात सफिशियंट। पर्याप्त अर्थात सफिशियंट वाक्य में प्रयोग है। बाढ़ग्रस्तों को पर्याप्त खाना पहुंचाना होगा। दूसरा शब्द है इंगित अर्थात पॉइंट। इंगित अर्थात पॉइंट, तुम्हारे कहने का इंगित क्या है, तुम्हारे कहने का इंगित क्या है। आज का सुविचार है, जो लोग समय रहते अपने जीवन का चार्ज नहीं लेते, वे समय द्वारा लाठी चार्ज किए जाते हैं। ये बात कही है किरण बेदी जी ने। वे कहती हैं, जो लोग समय रहते अपने जीवन का चार्ज नहीं ले लेते, वे समय द्वारा लाठी चार्ज किए जाते हैं। मैं आज आपको हिंदी भाषा के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताऊंगी। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी का इस्तेमाल करीब 60 करोड़ लोग करते हैं। दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, जिसमें से 45 विश्वविद्यालय अमेरिका में हैं।
हिंदी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर साल इंटरनेट पर हिंदी कंटेंट की मांग 94 अर्थात 94% बढ़ रही है। आज के मुख्य समाचार। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट बनाया जो अपने आप लैब में प्रयोग कर सकता है। मंगल ग्रह से खींचे हुए फोटोज को लेबल करने के लिए नासा लोगों से मदद की अपेक्षा कर रही है। रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू राइज अप एंड स्टैंड स्ट्रेट फॉर द नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।